सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर के नेतृत्व में सोमवार को अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से स्वीकृत कराने लागू कराने के लिए प्रदेश व्यापी क्रमिक अनशन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शुरू किया। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम प्रेम चंद्र मौर्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कर्मिक अनशन में अभिषेक चंद्र, उषा देवी, गुलाब राजभर, पन्नेलाल राजभर, इंद्रेश राजभर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष पवन राजभर और अभिषेक चंद्र ने कहा, मेरा नाम पवन राजभर है। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग यह है कि 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। इसका रिपोर्ट न्याय समिति को भेज दी गई है और उसको लागू कराने के लिए हम लोग कर्मी कंसर्न पे बैठे हुए हैं नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क में। अभिषेक चंद, पिपराइच विधानसभा प्रभारी एवं मंडल उपाध्यक्ष। क्या मांग है जिसको लेके आप लोग कहां पे? यह क्रमिक अनशन है जो कि संसद में जिसको पारित कराने के लिए हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं। यह एक तरह से अनिश्चितकालीन धरना है। अभी फिलहाल 29 तारीख तक यह चलेगा अनवरत यहीं पे नगर निगम में, गोरखपुर नगर निगम में। आगे जैसा हमारे नेताजी का आदेश होगा उसको और बढ़ाया जाएगा। क्या मुख्य मांग है? इसमें मुख्य मांग यह है कि 27% आरक्षण जो है इसको 3 भागों में विभाजित करके, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, 3 भागों में विभाजित करके जिन लोगों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनको आरक्षण का लाभ मिले, उनके बेटा बेटी को भी नौकरी मिले। इसके लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की यह पहल है कि 27% आरक्षण को विभाजित करके 3 कैटेगरी बना के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, जिसमें सारे लोगों को, सारी जातियों को समान लाभ मिल सके, इसके लिए अनशन हम लोग कर रहे हैं और यह अनवरत चलता रहेगा।